करवा चौथ क्यों मनाई जाती है, फिर से मैं आपको सुनाऊं। जिस समय मनुष्यों में दुर्भिक्ष पड़ रहा था, उस समय जब चारों ओर मनुष्य अपने पतन को प्राप्त हो रहा था, तब भगवती पार्वती जी ने मिट्टी से करवे का अदला बदली करी। मिट्टी के करवे की अदला बदली करके मैया पार्वती ने पांचों तत्वों को इकट्ठा किया। पांचों तत्वों को इकट्ठा करने से उनके संकल्प की शक्ति मनुष्य को प्राप्त हुई। मनुष्य को जब पांचों तत्व के संकल्प की शक्ति प्राप्त हुई तो उसको आयु मिली, माने उसकी आयु में वृद्धि हुई। गणपति बप्पा ने इस कार्य में सहायता करी। पार्वती जी चूंकि जगत जननी है और हर एक सती स्त्री अपने आप को पार्वती जी के रूप में देखती हैं। पार्वती जी एक स्त्री के स्वरूप में मानो सभी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो जब कोई स्त्री अपने आप को सुहागन मानना चाहती है और वो जननी बनती है तो वो अपने आप को पार्वती जी के रूप में देखती है। तो जब ये समय आता है, जब सारा संसार अंधकार में जा रहा है, माने फिर से एक बार वो कार्तिक की काली अंधियारी रात आने वाली है, जब लक्ष्मी जी समुद्र में विलुप्त तो हो चुकी हैं, चारों ओर अंधेरा है, मनुष्य मृत्यु की ओर जा रहा है। सागर मंथन से कुछ चीजें प्रकट होने वाली थी लेकिन उनमें सबसे पहले विष निकला है। तो उस समय जो सुहागन स्त्रियां हैं वो फिर से एक बार दिन भर भूखी प्यासी रहकर अपने संकल्प की शक्ति को, भूखी प्यासी रहने का मतलब अपनी संकल्प की शक्ति को प्रकट करती हैं, और अपने संकल्प की शक्ति को प्रकट करके पांचों तत्वों को वहां पर अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, जिसमें जो करुआ है वो पृथ्वी तत्व से होता है, उसमें जो पानी भरा है वो जल तत्व है, दिया जलाया गया है वो अग्नि तत्व है, वहां पर जो सरकंडे, वो जो सीख रखी गई है वो वायु तत्व के लिए है, और चूंकि वो भूखी प्यासी है इसलिए उसमें आकाश तत्व प्रकट हो रहा है। इन पांचों तत्वों को मिलाकर के वो सात बार माँ गौरा का स्मरण करके कि माँ गौरा मेरा करवा लो और मेरे पति को जीवन दो, तो वो फिर से उस संपन्नता को, जिसे समुद्र में लक्ष्मी चली गई हैं, सारा संसार दुर्भिक्ष में पड़ा है, देवता घिरे हुए हैं, विष के कारण महादेव समाधि में चले गए हैं, तो ऐसे समय में वो सात बार सृष्टि को, पांच तत्वों को पलट देती है। वो माने अपने घर के लिए सुख संपदा का संचार करते हुए अपने पति के लिए नया जीवन मांग लेती है। इसीलिए करवा चौथ मनाया जाता है। ये एक विधि है, ये एक प्रक्रिया है जिसका बहुत बड़ा महत्व है, जो पूरी सृष्टि में, जैसे कई बार होता है कि हमने कोई बात कही और विधाता ने उसको मानी। आजकल के जो वैसे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो तो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। माद्री ने सूर्य से कहा था छुपना नहीं, सूर्य छुपे नहीं। उर्मिला ने कहा था जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के पहुंचे नहीं तब तक उदय मत हो जाना, और कोई सती नारी कहती है तो विधाता उसकी बात को मानता है। तो इसी प्रकार ये करुए पांच तत्वों को पलटना, और जब जिस समय सृष्टि के चारों ओर देवता भी दुखी हैं, समुद्र मंथन चल रहा है, लक्ष्मी नहीं है, श्री नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे में जब वो करुए पलटती है, भूखी प्यासी रहती है, तो वो संपदा को, श्री को, वो उन सभी तत्वों को जो समुद्र से निकलने वाले हैं उनको मांग लेती है, महादेव का धन्यवाद करती है, माँ गौरा का आवाहन करती है और नई जिंदगी का संचार करती है। आजकल तो बहुत बहुत गंदा हो गया करवा चौथ का त्यौहार। आजकल शहरों में जुआ खेलते हैं लोग करवा चौथ के समय,
और जुआ खेलते हैं। स्त्रियां दिन भर केवल सजने का विचार करती हैं और दिन भर सजने सजाने का विचार करने के बाद सांझ को होटल में खाना खाया, पति पे एहसान किया कि तेरी उम्र के लिए मैंने व्रत रख लिया, बस बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब उसका जो वास्तविक अर्थ है वो कहीं खो गया है। वो खुद व्रत रहने वाली स्त्रियों को नहीं पता कि इसका वास्तविक मीनिंग्स है क्या, इसका मतलब है क्या। ये जानना जरूरी है कि करवा चौथ का व्रत क्या है, क्यों है और किस लिए है। अगर ये पता चलेगा तो वास्तव में आपको गर्व होगा कि मैं करवा चौथ का व्रत रहती हूँ। अगर एक पुरुष के रूप में हैं आप, तो आपका आपको गर्व होगा कि आपकी स्त्री आपके लिए करवा चौथ का व्रत करती है। और ये स्त्री ही नहीं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। ये बहुत अभूतपूर्व व्रत है। भगवान ने चाहा तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इस दिन लोग जुआ क्यों खेलने लगे हैं? क्योंकि शकुनी ने युधिष्ठिर जी को इसी समय जुआ खेलने के लिए बुलाया था। पर ये याद रहे, इसमें युधिष्ठिर जी की हार हुई थी और द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे। इसीलिए अगर आप करवा चौथ में ऐसा कुछ कर रहे हैं कि होटल में खाना खाएं, जुआ खेलें, सजने सजाने पर ध्यान दें, इस तरह के कुछ आचरण में हैं, तो आप ये समझिएगा कि आप कहीं ना कहीं वो भूल कर रहे हैं जो कौरव पांडवों ने करी थी।